वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग शादी का थर्ड पार्ट जा रहा है, जिसमें कि यहाँ पे परिचना, मतलब कि जब दूल्हे आते हैं शादी के मंडप में, तो उससे पहले हमारे घर के जितने भी लेडीज़ हैं वो लोग परिचते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बड़ी मम्मी, फिर मम्मी, सब लोग परिच रहे हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए, इन्जॉय कीजिए। मम्मी के बाद चाची, और यहाँ पे ना हल्दी और चावल का कुछ टीका लगाते हैं, और उसके बाद इससे परिचते हैं। तो सब लोग परिचेंगे यहाँ पे, और गाना तो आप लोग सुना ही है कौन सा गीत गाया जाता है। किस किस के यहाँ ये रस्म होती है कमेंट में करके बताइएगा। और ये हमारे यहाँ ये भाभी आई हैं, भाभी कर रही हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर दीदी, बुआ, सब लोग करेंगे। जितने भी घर के सदस्य होते हैं सब लोग करते हैं। तो यहाँ पे करने के बाद, और जो साली होती है थोड़ी मजाक वगैरह भी करती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो बड़ी दीदी हैं वो ऐसे मारने का ऐसे कर रही हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये आ गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे कन्यादान करने से पहले हमारे यहाँ पीड़ादान की रस्म होती है, वो होगी। तो यहाँ पे पापा पहले इनके माथे से लेके नीचे तक पैर पूरा पैर छूते हैं, और उसके बाद फिर बैठाने के बाद फिर मंडप पे मैं आऊँगी, उसके बाद यहाँ पे कन्यादान का रस्म होगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे पीड़ादान हो रहा है, और ये पीड़ा शादी में बनवाई जाती है। हमारे यहाँ हर किसी की शादी में एक पीड़ा बनवाई जाती है, जो कि ससुराल भी आती है, और ये शादी के लिए स्पेशली बनवाई जाती है पीड़ा। तो यहाँ पे, और उसके बाद फिर कन्यादान की रस्म होगी। सबसे पहले जो रस्म होती है शादी जो बैठती है उस, वो दाल पूजी के बाद यही रस्म होती है कन्यादान की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बैठ के, और पंडित जी पूजा वगैरह करा रहे हैं। तो दोनों लोग को सेम करना होता है, पापा को और इनको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इनकी यहाँ पे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस टाइम पे। तो आप देख रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे पापा पैर छू रहे हैं। सो और उसके बाद फिर अभी यहाँ पे कुछ धूप होता है, और उसका कुछ करते हैं दोनों लोग एक साथ, यही करते हैं। मतलब ये सारे रस्म ना जो पापा करेंगे वही ये भी करेंगे, दोनों लोग करते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और उसके बाद अब यहाँ पे मुझे लेके आएंगे लोग, तो फिर कन्यादान की रस्म होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं धार गिराने की रस्म होती है। ये जो लोटे में जल है ना, इसको गिराया जाता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जब तक पंडित जी का, मतलब जो शादी का पूरा मंत्र होता है, जब तक ख़त्म नहीं होती है, इस जल को वैसे ही गिराना होता है, और ब्रेक नहीं लेना होता है, मतलब कि रुकना नहीं होता है।
तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके गिराना होता है। और देखिए यहाँ पे मेरा भाई पूरे 3 बिना कुछ खाए पिए यहाँ पे जल गिरा रहा है। सो व्रत भी रहते हैं भाई और मम्मी पापा, ये लोग तो रहते ही हैं कन्यादान देने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत कम बोला गया था इसको कि बिल्कुल अपने लोटे का जल ख़त्म मत करना, तो ये एकदम उसी तरीके से कर रहा था। जब तक मंत्र ख़त्म नहीं हो गई दोबारा इसमें नहीं डालना पड़ा और उसका जल उसी तरह गिरता गया, बहुत थोड़ा थोड़ा करके गिरा रहा था। तो आप देख रहे हैं धार गिरने के बाद लवा मिलाने की रस्म होती है। तो यहाँ पे दोनों साइड के भाई, मतलब कि मेरे भाई और मेरे हस्बैंड के भाई, दोनों लोग लवा मिलाएंगे और इसमें ना ही हार जीत का होता है। तो यहाँ पे मतलब कि जो सबसे पहले मिला देता है एक दूसरे में, तो यहाँ पे मेरा भाई बहुत तेज़ी से इनके जो मेरे देवर हैं उनके जो गमछा था उसमें मिला दिए और उसके बाद फेरे की रस्म होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लावा जो है वो डालना होता है, कुछ बांस का होता है उसको हाथ में लिए हैं। तो यहाँ पे लावा गिराएगा, उसके बाद फिर फेरे होंगे। सो देखिए वो लावा भी बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है। सो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा सिंदूरदान देखने का। तो सो यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।